हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल की अंशिता। पिछले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं किस तरह ये स्लोपोक वाले आंटी को देख के म्यूजियम में चला जाता हूँ, लेकिन इनसे मिलता नहीं। लेकिन यहाँ पे जब आकर मिला और इनसे बात करी तो इन्होंने बताया मुझे कि इनका जो स्लोपोक है उसे उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है और इनको कहीं जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्लीज़ इसका ख्याल रखो, तो मैं रख रहा हूँ ये देखो। और ये वैसे ये एनिमेशन बहुत मस्त लगा, सिनेमैटिक वे में दिखाता है इन लोगों। अच्छा स्लोपोक यहाँ पर कर कुछ नहीं रहा, ठीक है, ये कुछ करता, ऊपर नीचे करता, ऊपर मेरे साथ खेलता वगैरह तो बात लगता है, लेकिन कुछ नहीं, एक ही जगह खड़ा है और रिलैक्स कर रहा है। आंटी को ज़रूरत है कि इसको देखना ही होगा, ठीक ही है जो उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ, देखते क्या मिलता है मुझे। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। स्लोपोक ने कुछ ट्रबल तो नहीं किया, ऑफकोर्स नहीं किया। और यू गॉट अ बिग पर्ल फॉर द लेडी, बिग पर्ल मुझे मिला है और बैग में है वो। बिग पर्ल क्या होता है पता नहीं, कुछ काम का होगा ज़रूर, पोकेमोन वोकेमोन पकड़ने में काम आएगा। तो चलो चलते हैं। वैसे भाई आज म्यूज़ियम वगैरह पूरा एक्सप्लोर करना है मुझे, यहाँ के सब कुछ चीज़ों को, तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। वैसे बैग में जाता हूँ, पहले देख लो ये होता क्या है। बिग पर्ल, अच्छा ये रहा बिग पर्ल, मूव दिस आइटम। अच्छा मैं इसे ना यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा मुझे इससे। वैसे भी पैसा की ज़रूरत थी मेरे को, 4 रुपया सिर्फ मेरे पास। और वैसे भी मैं पता है तुम्हें 2 दिन बाद मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, तो मुझे तो पोकेमोन सेंटर में मिल जाना चाहिए 500 रुपया वो अंकल से, पोकेमोन सेंटर से जो हमेशा मिलता है, मतलब 24 घंटे में मिलता है ना। तो अब तो 2 दिन हो गया, मिलना तो चाहिए, देखते हैं। ये रहा अंकल, यू आर लिमिटेड ऑन पैकेज पर डे, प्लीज़ कम बैक टुमारो। भाई ये क्या मतलब हुआ, सच में मैं 2 दिन बाद आके खेल रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिला, बहुत बुरा लगा मुझे। ऑलराइट मैं आता हूँ, पहले इसे सेल कर देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा हेयर टू सेल एंड प्रीमियम बॉल नहीं, मैंने ये रहा बिग पर्ल को मैंने कर दिया सेल, ठीक है 4000 रुपया मुझे मिल गया। अब और कुछ चाहिए थोड़ी, सिंपली अब जाना म्यूजियम में, जितना पैसा लगे सब लुटा दूंगा मैं भाई एक्सप्लोर करने के लिए। बड़ा एक्साइटेड हूँ सच में। वैसे इतना टाइम क्यों लग गया, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन, हाँ ये नेट वगैरह से चलता है या फिर कैसे चलता है। हाँ मैं डर गया सच में कि एक पल के लिए गेम ही बंद हो गया। चलो ठीक है आगे आते हैं। वैसे म्यूजियम में मैं घुस चुका हूँ और यहाँ पर जाने के लिए मैं पैसा देता हूँ। वुड यू लाइक टू, यस ये लो, थैंक यू, प्लीज़ इन्जॉय योर सेल्फ। ऑफकोर्स अपने ही इन्जॉय करूँगा मैं। अच्छा भाई ये कबूतो, कबूतो ही ना यार, इसका नाम भूल गया मैं, सच में भूल गया लिटरली नाम, छोटा। अच्छा ये क्या है सर, इसके बारे में जानने के लिए अंकल जी से पूछना पड़ेगा, यहाँ जो पहले से ये बुढ़ाओ अंकल ना हर जगह मौजूद रहते हैं। यू आर ग्रेटफुल टू फॉर अ लॉन्ग लाइफ, अच्छा नेवर डिड आई थिंक आई वुड गेट टू सी द बोन्स ऑफ अ ड्रैगन, अच्छा ये ड्रैगन की बोन्स है ये सब। अच्छा डूड एरोडैक्टाइल को कितना अच्छा लटका के रखा है इन लोगों ने, काश मैं ऊपर भी देख पाता किस किस चीज़ से इन लोगों ने लटका रखा हुआ। ऑल राइट यहाँ पे कुछ और पोकेमोन्स के अवशेष है, अवशेष ही कहते ना, हाँ हाँ याद आ रहा मुझे, वो डिस्कवरी चैनल में देखा था तो याद आ गया अवशेष, ठीक है। तो और ऊँचा ऊपर भी जा सकते, मुझे लगा तो यही 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 चीज़ें है बस, लास्ट लिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, देखते हैं ऊपर में क्या मिलता है। पहले अंकल से बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दिस मंथ वी आर रनिंग फॉर स्पेस एग्जिबिट। ऑल राइट स्पेस एग्जिबिट पे इन लोग काम कर रहे हैं। और ओ भाई यहाँ पे एक होलोग्राम है, आई थिंक सो यस होलोग्राम ही है, देखते क्या चीज़ है। हाँ 3D होलोग्राम एंड इट हैज़ अ टाइटल अ मैप ऑफ द यूनिवर्स, अच्छा यूनिवर्स का टाइटल है इस पर, और इस तरफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता हूँ उस तरफ भी। अच्छा ये क्या है, इट सेज ऑब्जेक्ट विल एम्प्टी मून दो टू बी मूनस्टोन, इसे मूनस्टोन कहते हैं यार, ये तो मुझे नॉर्मल से रॉक लग रहा है। जो भी हो ये यहाँ पे मौजूद है तो मतलब होगा ही कुछ। वैसे इससे बात कर लेते हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट, लुक्स लाइक ऑर्डिनरी रॉक टू मी, ये भी भाई तू मेरे कंपनी में तो मेरे को एजेंसी ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, एकदम परफेक्ट बोला। मेरे को भी नॉर्मल सा रॉक लगा था क्योंकि ब्रोक के जिम में गया था मैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे रॉक्स थे। चलो ठीक है, ये मीटियोर के पार्ट्स है, छोटे छोटे टुकड़े पार्ट्स, और यहाँ पे मैं क्रिस्टल ब्यूटीफुल क्रिस्टल व्हेन यू लुक्ड इनटू, अच्छा मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकता हूँ कुछ चीज़ों को, लेकिन मुझे देखना कैसे देखूँ। अच्छा इन सब से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और बुढ़ाव अंकल उससे बात कर रहे थे, इट हैज़ बीन डिकेड सिंस मैन कैन शूट ऑन द मून एंड नाउ वी आर फॉलोइंग द ड्रीम, हाँ कौन सा ड्रीम, ऑफ स्टैंडिंग ऑन द फार वे रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट वही अपना मंगल ग्रह। तो न्यूज़ अबाउट स्पेस ऑलवेज मेक मी सो एक्साइटेड, अच्छा अंकल जी आप अगर क्या करोगे बताओ, आप तो रॉकेट में टपक जाओगे, जो भी हो उनका भी सपना है पूरा होना चाहिए है ना। ऑल राइट यही था पूरा म्यूजियम, और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने नोटिस करा कि जब हम लोग नीचे से ऊपर आए तो उस तरफ भी कुछ था, तो मुझे वहाँ भी जाना है।
ये देखो यहाँ यहाँ इस इसके ये देखो यहाँ भी कुछ साइंटिस्ट लोग हैं बैठे हुए, और वहाँ पे कुछ रखा हुआ है मेरे ख्याल से, वो भी एक म्यूजियम है, लेकिन क्या है वो नहीं पता। उस तरफ भी जा सकते हैं हम लोग, तो पहले देख लेता हूँ। वैसे अब तो यहाँ पे कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने को, तो यहाँ से निकल ही लेते हैं। और मुझे उस तरफ जाना है भाई सच में, और देखना है कि उस तरफ भी कुछ है कि नहीं है। तो चलो चलते हैं। ये ट्रेनर बोर्ड है क्या हमारे, जहाँ पर टिप मुझे हमें मिलते हैं? आई डोंट थिंक सो। वैसे यहाँ पर मैं इतना देर रुका क्यों? अच्छा याद आया, मैं कुछ खाना लाने गया था, मुझे भूख लग गई थी तो वहाँ मैं छोड़ के चला गया था, मैंने इसे कट भी नहीं किया। अच्छा चलो ठीक ही है। भाई यहाँ पे मैं आता हूँ, ये यहाँ पे ट्री लगा हुआ है, ये चॉप पता नहीं कैसे करते, बहुत सारा रास्ता इसने रोक रखा हुआ है, और यहाँ पे मुझे जाना भी था। चलो ठीक है, अब जिम में आता हूँ। डूड जिम लीडर से फाइट करने का वक्त आ चुका है, तो इसके लिए मुझे ये सच में अब तक थर्ड एपिसोड में भी आके मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने पोकेमोन को अपने पीछे घुमा सकता हूँ। मैंने देखा था लेकिन ऐसा याद नहीं आया था कि इसे घुमाना है, लेकिन ये अचानक से पता नहीं कौन सा बटन में से क्लिक हो गया और बटरफ्री को स्टार मिल गया। देखो एक स्टार मिल गया और वो मेरे पीछे घुमा, मुझे एक मैसेज आया कि मैं अब एक और पोकेमोन को ले घूम सकता हूँ। ये देखो क्या बात है, ये देखो कितना आसान लग रहा नहीं। चलो ठीक है अंदर चलते हैं, और इस बार तो मुझे सब कुछ पता है, रूल्स वगैरह। डू टाइप मैच को करने को बोलता है ये, और मुझे कोई एक पोकेमोन दिखाने को बोलता है, तो मैं ऑडिश दिखा लेता हूँ, और ऑडिश को ही शायद यहाँ पे शायद बैटर करवाएगा ये लोग, यस शायद से, या फिर मैं अपना पिकाचू ही फेंकने वाला हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि जो मैंने पोकेमोन दिया वही, क्योंकि अरेंज किया नहीं था मैंने। अच्छा पिकाचू ही फेंका भाई साहब, पिकाचू को तो मार के मुंह देगा जियो रूट, चाहे जितना भी लेवल का हो, क्योंकि रॉक टाइप है ना, असर ही नहीं होगा। तो पहले पोकेमोन पे क्लिक कर लेता हूँ, और ऑडिश कहाँ गया, ये रहा ऑडिश, और उसे बाहर निकाले तो लेवल 10 का ऑडिश है, तो अच्छा खासा फायदा है। ओ भाई क्या एनिमेशन है, मतलब वो व्यू कितना ऑसम था नहीं ऑडिश को जब मैं लेने गया तो। अच्छा स्विच कर लेता हूँ, ऑडिश आ गया, और फाइट स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, ये कौन सा मूव यूज़ किया भाई? अच्छा ऑफेंसिव कोई मूव यूज़ किया क्या? नहीं अच्छा डिफेंस रेज किया उसने अपना, ठीक है। फाइट अब्जॉर्ब ग्रोथ एसिड, भाई कोई अटैकिंग मूव है ही नहीं। तो अब चलो जो है उसी को यूज़ करना होगा, अब्सॉर्ब यूज़ किया मैंने, देखते क्या होता है। ओ भाई साहब अब्सॉर्ब में इतना पावर, ये कैसे हो गया? क्या गेम है यार, सच में ऑसम। मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था, मैं डरा हुआ था कि यार किसी तरह से कैसे इन सब से फाइट करने वाला हूँ, ये अब्सॉर्ब तो एक बार में मार गया, वाह यार। चलो चलते हैं दूसरे वाले ट्रेनर पे फाइट करते हैं, उसके बाद लीडर से फाइट करने वाला है ना। चलो ठीक है ये आ गया, स्टॉप राइट हियर, यू आर 1000 लाइट ईयर, क्या क्या बोल रहा। चलो ठीक ही है आगे बढ़ते हैं, होप सो कि इसे भी मैं उसी तरह से मार सकूँ जो इससे पहले वाले में कर चुका हूँ। जियो डूड आया, और ये कितना लेवल का यार, लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैंने फिर से अरेंज नहीं किया, चलो ठीक है मैं ऑर्डर्स फेंक देता हूँ। और जियो डूड ने यूज़ किया टैकल, डैमेज देखते कितना पड़ा। ओ भाई इतना कम, लेवल 7 का है, ठीक है। एब्जॉर्ब भाई साहब, एब्जॉर्ब का भाई पावर देख के मैं खुश हो गया बिल्कुल भी यार। देखो ना एक ही बार में ख़त्म कर दे रहा, और वैसे मेरा जितना भी यहाँ पे एचपी कम हुआ था ये सब कुछ इंक्रीज हो गया वापस से, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक ही है, मरो 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 तुम लोग अच्छे से, मुझे यहाँ पे जीतना तो है, बैच भी चाहिए यार। ऐश वाला फीलिंग आ रहा मेरे को, लेकिन ऐश को तो यार ब्रोक साथ निभाता है ना, उसके साथ घूमता फिरता भी है, तो मेरे साथ भी घूमेगा क्या, यहाँ पे घूमेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। वैसे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, असली वाला फिल्म तो नहीं आएगा, क्योंकि वो एनिमेशन में ही ज़्यादा बेटर लगता है। ऑलराइट ब्रोक से मैं फाइट करने आया हूँ, आई एम ब्रोक, वो बता रहा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा। लुकिंग पोकेमोन हाउ रॉक हार्ड भाई, व्हील पावर, इसका व्हील पावर एकदम रॉक की तरह है, और इसके सारे पोकेमोन भी हार्ड है एकदम रॉक की तरह, और राइट्स में पोकेमोन ऑल आर रॉक टाइप्स, हाँ भाई जानता हूँ मैं। और ये मुझे धमका रहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे चैलेंज लेने की, और तुम ये भी जानते हो कि तुम हारने वाले हो, तो इसने पहले ही डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि मैं हारने वाला हूँ, और बोल रहा है मुझे शो योर बेस्ट, अब मैं तुझे लेकर नहीं चलने वाला ब्रोक, या तो मैं तुझे हराऊंगा या तो मैं तुम्हें मुआ दूंगा, ऐसे कुछ करने वाला हूँ। मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया इसने, सच में इतना एरोगेंट है क्या ये, घमंडी कहीं का। डूड मुझे डर है कि यार इससे मैं हार जाऊँगा तो क्या होगा, मुझे फिर से बाकी सारे ट्रेनर से भी फाइट करना, क्योंकि एक ही ऑडिस से मैं कैसे यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ। लेकिन लेवल 11 का जियो डूड को एब्जॉर्ब एक बार में मार गया, यार ये कोई ग्लिच है क्या, या फिर कुछ ऐसा मैंने डाउनलोड ही कर लिया कि मतलब उसमें फुल ऐसे मारने का पावर है मेरे पास पोकेमोन में एक ही बार में ख़त्म करने का, आई रियली डोंट नो। तो तुम लोग को ही पता होगा जिन लोगों ने खेला होगा, तो ऐसा ही होता है क्या सच में? जो भी है एक ही बार में मैंने ख़त्म कर दिया उसे,
और इसका भी देखते हैं, देखो एक ही बार मगर लेवल 12 का अब्जॉर्ब मारा तो ये भी खत्म हो गया। सुपर इफेक्टिव है आई नो, बट यार अब्जॉर्ब में तो उतना पावर नहीं होता है जितना एक बार में सबका एचपीपी वगैरह खा जाए। चलो कोई बात नहीं है, लेवल 6 यहाँ पे बटरफ्री हो गया यहाँ पे और सब कुछ बता रहा था, ठीक ही है। उसने मुझे बोला कि उसने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था और 1900 रुपये मुझे मिला है। अच्छा 1900 रुपये में मैं क्या करूँगा, एक जूता कर दूँगा, 20 रुपये का फुचका खा लूँगा, ठीक है। एज अ प्रूफ मुझे वो एक बैज देने वाला है। और भाई ये एनिमेशन सबसे बेस्ट लगा मुझे अब तक का। और भाई क्या देखा, मतलब कितना बेस्ट कॉम्बिनेशन है पिकाचू और मेरा का, है ना, विद अ बैज। अच्छा मेरे पास अब लेवल 20 के पोकेमोन का पावर हो चुका हुआ है, मतलब उन सबको मैं रख पाऊँगा अच्छे से और वो लोग मेरा बात भी सुनेंगे। टेक दिस विथ यू टू। और उसने मुझे एक TM दिया, हेडबर्ट का एक ही TM है मेरे पास। ऑल राइट, वो मेरे काम आएगा। TM केस में रख दिया है वो। टेक्निकल मशीन, यू टीच योर पोकेमोन द मूव विद इन इट। ऑल राइट, मैं जानता हूँ यार, TM कैन बी यूज मेनी टाइम्स, सो लाइक यू यूज टू। अच्छा ठीक है यार, पता है बहुत बोरिंग लग रही है ये सब पढ़ने में मेरे को, इट डिस डैमेज तो यार ये सब पढ़ा हुआ तो ऑफकोर्स ये सब अच्छा लगेगा पढ़ने में। हाँ चलो ठीक ही है, फिर भी यहाँ पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। वैसे यार यहाँ के सबसे तो मेन चीज़ हम लोगों ने कर लिया, म्यूजियम, बैटल और सर जिम। अब मुझे पता है कि बाहर निकलूँगा ना तो कोई ना कोई बधाई देने, या तो फाइट करने, या तो कहते हैं ना धमकाने, ऐसा कुछ करने आएगा ही आएगा। हे यू देयर न्यू भाई। हाँ मैं न्यू भाई, ये कौन है भाई? अरे भाई ये तो नया नया लड़का, पूरा बाल वाल सेट करके आया है। इसने मुझे बुलाया एलन ग्रूड के नाम से, तो ये मुझे जानता कैसे है यार? इसको तो मैं पहली बार तो देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हाउ डू यू नो, तो ये बताता वो, अच्छा वो ब्लू है। ओ भाई ये ब्लू है। आई हियर फ्रॉम अ ग्राम दैट द न्यू किड सेट आउट अ पैलेट टाउन टू बिकम ट्रेनर जस्ट लाइक आई डिड वंस। उसने भी कभी पैलेट टाउन से ही निकल के फाइट करी थी, मतलब ट्रेनर बनने निकला था, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, तो वो मुझे बता रहा है। आई वाज थिंकिंग यू मस्ट सम, बहुत 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 ज़्यादा चाटता है ये बंदा। उसके बाद ये मुझे कुछ 5 ग्रेट बॉल्स देता है, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे बताता है कि तुझे मुझसे फाइट करना पड़ेगा आगे चलकर, तो मैं बाद में देख लूँगा। अच्छा इस मोहतरमा से बात कर लेता, बहुत देर से ये घूम रही थी, कुछ काम वगैरह होगा। तो ये मुझे बताती है कि यार ये क्या है, क्लिफेरी कम फ्रॉम द मून एंड एम्प्टी मून। ये एम्प्टी मून से कुछ तो रिलेशन है भाई इस सिटी का, ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया। ये रहा बैज, मुझे मिल गया हुआ है। मैं बैज ना बैग में खोज रहा था, मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला फाइनली, इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ऑलराइट तो मैं यहाँ पे मैं सेव प्रोग्रेस भी कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो पे। शुक्रिया, थैंक यू।